अब्दाली दोपहर तक युद्ध हार रहा था, पर केवल एक घंटे के अंदर अंदर उसने सारी स्थिति अपने काबू में कर ली। अब तक लड़ाई के लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। सुबह से लड़ रहे मराठे अब थकने लगे थे। यही मौका था कि विट्ठल शिवदेव और दामाजी गायकवाड़ की सेना आकर मदद करती, लेकिन उसका तो सफाया हो गया था। और यही वो मौका था कि अब्दाली अपने अतिरिक्त सुरक्षा बल यानी रिजर्व फोर्सेस को मैदान में भेजता, और उसने ऐसा ही किया। अपनी रिजर्व सेना को मराठों के मध्य और बाएं बाजू पर छोड़ दिया, और ये लड़ाई में वापस लौटे सिपाही और ताजादम रिजर्व की सेना ने जो हमला किया उससे युद्ध की दिशा बदलने लगी। उधर समय पर मदद न मिलने की वजह से और सुरक्षा की कमी की वजह से गार्डियों की तो पूरी पलटन को घेर लिया गया था। गार्दी सेना खत्म हो गई, लेकिन अब्दाली की सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर इस संघर्ष में इब्राहिम खां गार्दी पकड़ा गया। बीच के मोर्चे पर अब्दाली ने हमले तेज कर दिए थे और भाऊ ने भी बखूबी इस नए हमले का मुकाबला किया और उसे कम से कम 3 बार बेकार कर दिया। पर उधर पश्चिम में कुछ और चल रहा था, और ये थी मराठों के लिए दूसरी दुर्घटना। नजीब धीरे धीरे आगे खिसकते हुए सिंधिया की सेना के काफी करीब पहुंच चुका था। उसने सिंधिया की सेना पर दबाव डालना शुरू कर दिया और पूरी शिद्दत से हमला कर दिया। इससे सिंधिया सेना के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा बीच के मोर्चे की तरफ खिसकने लगा, जिसमें जानकोजी सिंधिया और तुकोजी सिंधिया शामिल थे। सिंधिया सेना की दूसरी टुकड़ी होलकर के साथ और भी पश्चिम की ओर चल दी। इसमें महादजी सिंधिया थे। अब्दाली को अब जीत नजर आने लगी। वो बार बार बीच के मोर्चे पर दबाव डालता रहा। उधर मराठा सेना के पीछे एक तीसरी दुर्घटना भी हो गई, जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। दामाजी गायकवाड़ की पलटन के साथ जो पिछली लड़ाई में पकड़े गए अफगान थे, उन्होंने जंग का रुख बदलते देखकर खुद भी पाला बदल लिया। उन्होंने सेना के पीछे जाकर तीर्थयात्री, महिलाएं और अन्य न लड़ने वाले लोगों के बीच अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें लूटने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल अचानक से बन गया। अब बीच के मोर्चे पर फिर से नजर डालते हैं। अब्दाली ने जो तरोताजा रिजर्व फौज भेजी थी, उसके हमले न सिर्फ घातक थे, बल्कि वहां तुलुगमा का इस्तेमाल हो रहा था। तुलुगमा क्या होता है? एक सेना के 6 हिस्से किए जाते हैं, और ये 6 टुकड़ियां दुश्मन को घेर लेती हैं और चारों तरफ से घूम घूम कर हमला करती हैं। तो तुलुगमा का इस्तेमाल करके मराठों के केंद्र पर दबाव डाला जाने लगा। नजीब ने तो मराठों के राइट पर यानी मराठों के दाहिने बाजू पर हमला किया ही था, तो सिंधिया सेना के 2 हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा पश्चिम की ओर खिसक गया और दूसरा बीच वाले मोर्चे से जा मिला। तो इस तरह से महाजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर अब तक इस लड़ाई से लगभग अलग हो चुके थे। इतने में अब्दाली की मोर्चाबंदी के सबसे बाईं ओर खड़े शाह पसंद खां की जो टुकड़ी थी, जो दिल्ली के रास्ते पर कुंडली मारकर बैठी थी, उसे भी हुक्म मिला कि वो बीच के मोर्चे पर दबाव डाले। तो शाह पसंद खां के रास्ते से हटते ही दिल्ली का रास्ता खुल गया। वो रास्ता जो पिछले लगभग 3 महीनों से बंद पड़ा था, अब खुल चुका था और भागने वालों को अपना अपना घर दिखने लगा। तो इसी समय होलकर और बची हुई सिंधिया सेना दिल्ली की ओर तेजी से निकल पड़ी। अब मराठों की सारी लड़ने वाली सेना बीच में इकट्ठा हो गई थी। इस पूरे को अफगान और रोहिलों ने घेर लिया था और चारों तरफ से हमले हो रहे थे। घमासान की लड़ाइयों में घटनाएं भी तेज होने लगती हैं। लड़ते लड़ते जानकोजी सिंधिया घायल हो गया और पकड़ा गया। तुकोजी सिंधिया भी मारा गया और फिर बची खुची सिंधिया सेना का भी सफाया हो गया। और तभी अचानक से बीच के मोर्चे पर विश्वास राव को गोली लग गई और वो भी मारा गया। और विश्वास राव के गिरते ही बीच के मोर्चे में भगदड़ मचने लगी। भाऊ कब तक अकेला लड़ता? 1 घंटे के अंदर अंदर करीब 4 बजे भाऊ भी मारा गया। बाजीराव और मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर, उसके साथ अंताजी मानकेश्वर, यशवंतराव पवार, सत्पोजी जाधव भी वीरता से लड़े और या तो मैदान में मारे गए या लड़ाई के कुछ ही दिनों बाद घायल अवस्था में चल बसे। भाऊ के गिरने के बाद अब लड़ाई में कुछ भी नहीं बचा था। अब्दाली ने मराठों को निर्णायक रूप से बुरी तरह से हरा दिया था और पानीपत की इस तीसरी लड़ाई का भी अंत हो गया।